जो हमार बिटिया को आतिश घर से उठा के यहाँ ले आया और खून कर दिए हमार भतीजे का। गिरफ्तार कर लो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको पता भी है आप किसके बारे में क्या बात कर रही है? हमारे पापा ऐसे कर ही नहीं सकते। एक मिनट, एक मिनट। कैसा बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं, क्या मजाक है ये? मजाक? ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? खून का इल्जाम आपको मजाक लगत है, हैं? हर खूनी को उनके परिवार को खून की कीमत चुकानी पड़े। जैसा वो इच्छा ने चुकाए और उनकी बेटी मीठी ने। और अब ये राठौर चुकाएगा कीमत हमारे भतीजे के खून। रघुवंदर, ये क्या कह रही है? जहां तक मैं इन्हें जानता हूं, ये शायद कोई चाल है। सुरभि को बचाने के लिए अस्पताल में निर्भय से मुलाकात हुई थी मेरी, हाथापाई भी हुई। वो जख्मी था, उसे अस्पताल में भर्ती करके आए हम, पर मरने वाला नहीं था। मिस्टर राठौर, आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके शिनाख्त के लिए एक चश्मदीद गवाह भी है। ये तो खुद ही एक झूठी और मक्कार औरत है। आप इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इसके सारे लगाए हुए आरोप बेबुनियाद है। देखिए, कौन झूठा है कौन सच्चा है ये सब पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। मिस्टर राठौर, जो भी कुछ सुनना सुनाना है वो सब पुलिस चौकी में। चलिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ठाकुर साहब, आप एक इज्जतदार घर में आए, इंस्पेक्टर शिंदे इस चीज से बात कीजिए। आपकी डरती मुझे कुछ हो सकता है, कोई है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। गरीब, शादी की मुहूर्त से पहले मैं लौट कर आ जाऊं। नहीं पापा, प्लीज, हमें अकेले रहना अच्छा नहीं लगेगा, हमें आपके साथ चलना है, प्लीज। उठा बेटे, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम रघुवेंद्र के साथ जाएंगे। पापा आप यहीं रुकिए, आपकी इस वक्त यहाँ बहुत जरूरत है। हम और कान्हा चले जाते हैं, फटाफट आ जाएंगे, हम जानते। जाऊंगा इनके साथ, आप यहीं रहे। क्या है ये? अब जानते हैं मैं कौन हूं? नहीं जानते। इतना तो जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना किसी को हथकड़ी नहीं लगती। इतना तो जानते हैं कि मैं पेशेवर मुजरिम नहीं हूं। पीछे जाइए, पीछे जाइए। आप यहीं रुकिए। पापा प्लीज, हमें भी चलने दीजिए आपके साथ। मैं कोई भी काम, कोई भी कहानी अधूरी नहीं छोड़ता। अगर ये कोई चाल हुई तो इस कहानी की आखिरी चाल नहीं हुई।
तुम जानती नहीं हो मिस्टर राठौर को जेल भिजवाकर तुमने अपने सर पर कितनी बड़ी मुसीबत ले ली। ए ठाकुर की नौकरानी, किधर है तू? बकवास बंद कर। लगा तू क्या लगा? हमारी बात समझ में ना ही आई है? कहा था ना क्या करेंगे हम? तूने हमार बिटवा को, हमार लाडले को ही घर में नौकर बनाकर रखा। इच्छा के घर में, हमार पति के खूनी के घर में तूने हमार बिटवा को नौकर बनाकर रखा। अभी की कीमत चुकाएगी तू और तेरा परिवार। और शुरुआत होगी वो कौन है तेरा है वो काला चश्मे राठौर, शुरुआत होगी उससे। एक मिनट, आप आकाश की मां हैं, इसीलिए हम चुप हैं, खामोश हैं। पापा प्लीज, इतनी तहजीब और तमीज के साथ इस औरत के साथ बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे तो वो भाषा समझ ही नहीं आती। और वैसे भी एक बार मिस्टर राठौर को बाहर आ जाने दीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा खुद कितनी पानी में। हे, किसकी ताकत बहू, वो तेरा राठौर है, ठीक है देख लेंगे। तुम भी इधर, हम भी इधर है, हैं? देख लेंगे। ए, एक आदि इसको रोकने की ताकत कोनु में नहीं। तो यार मीठी बिटिया 23 दिन हमार घर पे रही, आतिस घर में कितनी यातना दिया है। कौन कौन कहा कर लिया, कहा कर लिया, कहा बिगाड़ दिया हमार। चली सब क्या अन्नी? आ पूछ लीजिए, इसी से पूछ लीजिए, यही आपको बताएगी कि इसके और आकाश के बीच अब कुछ नहीं रहा। बोल मीठी। ए बहुरिया, कैसी है तू? सब ठीक? ये कहा सुन रहे हो? मार बिटवा को तलाक दे दिया है? सच बता, क्या एक कागज के टुकड़े पर दस्तखत करके तो तोड़ सकेगी दिल से दिल का रिश्ता? ए बहुरिया, तुम्हार बिटवा से प्यार का, जी भर के प्यार, तू बिलख वापस आतिस घर आने की गलती मत करना।